अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिलाई विद रोज़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए फ्रॉक के साथ, एक ट्रेंडिंग फ्रॉक के साथ। तो आइए इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं देर ना करते हुए। ये हम लोग का फैब्रिक है और ये हम लोग की लेसेस हैं जो हम लोगों ने इस पर यूज़ की हैं। फैब्रिक ले लेना है हम लोग को 4 मीटर, और ये फ्रॉक का फैब्रिक है, कुछ इस तरह से बॉर्डर वाला ले लेना है। ये लेसेस लिए हैं हम लोगों ने, ये बारीक वाली लेस जो है हमारी वो 12 मीटर हम लोगों ने ली थी, और ये 2 मीटर हम लोगों ने लेस ली है। किस तरह से मैं लगाऊंगी ये आगे आप वीडियो में देखेंगे। ये हम लोगों का पजामे का कपड़ा है, वो 2 मीटर हम लोगों ने ले लिया है। डिज़ाइनिंग का भी हम लोग इसी के लिए यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को 1/2 इंचेस का छोड़कर कुछ कटिंग कर इस बॉर्डर को कर देना है अलग। ये हम लोग का बॉर्डर अलग हो चुका है, ये हम लोग का फैब्रिक आ चुका है। अपर पार्ट की कटिंग हम लोग जो है लेंथ से कर रहे हैं, मतलब लेंथ में जो कपड़ा होता है उससे कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो फ्लावर्स हम लोगों को दे रखे हैं उसकी वजह से हम लोगों को लेंथ में लेना पड़ रहा है। उसकी विड्थ हम लोगों को जो अपर पार्ट की रखनी है वो 11 इंचेस रखनी है, और लेंथ हम लोगों को इसकी विदाउट स्टिचिंग 14 इंचेस रखनी है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी मार्किंग हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। 7 इंचेस पर हम लोग शोल्डर इंचेस पर हम लोग को लगाना है आर्म होल का मार्क, फिर वापस हम लोग 7 इंचेस पर ही मार्क लगाएंगे जैसे हम लोग शोल्डर के लिए लगाया था। देन हम लोग उसे मिलाने के लिए 1 इंच का अंडर मार्क लगाएंगे पहले, उसके बाद उसको सिंपली मिला देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हम लोगों ने मिला दिया। चेस्ट का देख लेते हैं हम लोगों को। चेस्ट 9 इंचेस पर मार्क लगाना है। ये देखिए 9 इंचेस पर हम लोगों ने चेस्ट का मार्क लगा दिया है। 1 इंच का हम लोग कर्व देने के लिए शोल्डर को कुछ इस तरह से मार्क लगा देंगे। देन हम लोग 14 इंचेस पर मार्क लगाएंगे वेस्ट के लिए। 8 पर हम लोगों को वेस्ट का मार्क लगाना है, देन उसको भी मिला देना है सिंपली। 1 इंच का हम लोग मार्जिन रखते हैं, वो भी हम लोग इसी तरह से रख लेंगे 1 इंच का मार्जिन। ये देखिए 1/2 इंच का हम लोग बैक साइड के लिए मार्क लगाते हैं शोल्डर पे, वो भी हम लोग साथ में ही लगाते हैं, और बाद में कटिंग कर हम लोग फ्रंट और बैक को अलग कर देते हैं। ये देखिए 1/2 इंच का हम लोग ऊपर शोल्डर पर मार्क लगाएंगे, शोल्डर को गिराने के लिए थोड़ा सा। ये देखिए अब हम लोगों का ये जो है कंप्लीट हो चुका है, जो भी हम लोगों ने नीचे मार्क लगाया था 1/2 इंच का नीचे छोड़कर मार्जिन, देन उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हम लोगों की कटिंग हो गई है। फ्रंट अलग कर लेंगे, जो भी जॉइंट है पहले शोल्डर का उसको अलग करना है हम लोग को। ये हो गया बैक, देन ये फ्रंट आ गया है हम लोग का, और ये एक्स्ट्रा जो भी था बैक साइड का वो हटा दिया है। फ्रंट आ गया है, बैक आ गया है, दोनों ही आ चुके हैं। अब स्लीव तैयार कर लेंगे हम लोग, उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर फैब्रिक में से हम लोग अलग कर लेंगे। ये देखिए ये आ गए हम लोग की स्लीव। शोल्डर देख लेते हैं, स्लीव की कटिंग देखेंगे आप। 9 इंचेस पर मैंने शोल्डर का मार्क लगाया है। 18 इंचेस का हम लोग को स्लीव रखनी है, बट हम लोग यहाँ पर कितने का मार्क लगाएंगे 13 इंचेस का, क्योंकि हम लोगों को नीचे की साइड डिज़ाइनिंग में, यानी कि जो हमारा बॉर्डर था उसमें से जो भी डिज़ाइनिंग का कपड़ा हमें मिलेगा तो वो हम लोग स्लीव में ऐड करेंगे और उसे डिज़ाइनर बनाएंगे। शोल्डर से हम लोग ऊपर की साइड कपड़े काट कर जो भी हम लोग की कमी पड़ रही थी या हम लोगों का छोटा पड़ रहा था आर्म होल या शोल्डर, तो हम लोग इस तरह से उस कपड़े को ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा देख लेते हैं। ये कुछ हम लोग इस तरह से यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा बॉर्डर हम लोग नहीं यूज़ करने वाले हैं, बल्कि जो हम लोग को बॉर्डर के ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है यही हम यूज़ करने वाले हैं। जितना भी फैब्रिक बचा है हम उससे कली बनाने वाले हैं। तो कली के लिए देख लेते हैं कितना फोल्ड हम लोगों ने किया है।
जितना भी हमारा कपड़ा था हम लोग उसको फोल्ड कर चुके हैं। तो देख लेते हैं इसकी कितनी लेयर आई है। तो इसकी हमारे पास ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेयर्स हम लोगों को फैब्रिक की मिल चुकी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डबल कर देंगे, यानी कि हम लोग को अब 8 लेयर्स मिल चुकी हैं। 34 इंचेस का हम लोग को इसकी लेंथ रखनी है, बाकी जो भी हम लोग का बॉर्डर होगा 34 इंचेस में ही हम लोग का इंक्लूड है। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग इसकी मार्किंग कैसे करने वाले हैं। 3 इंचेस का हम लोग रखेंगे, किस तरह से मार्किंग करनी है मैं बता देती हूँ आपको। ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं मार्क, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग 3 इंचेस रख लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह को इंची टाइप को रखेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद एक के ऊपर हम एक रख लेंगे कलियों को, कुछ इस तरह से मिलाएंगे और नीचे के साइड से हम लोग जो भी एक्स्ट्रा हमारी कली आ रही है, देख सकते हैं आप कपड़ा, ये देखें, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हमारा नीचे, उसको हमें कट करके अलग करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग मार्किंग कर देंगे, उसके बाद इसको कट कर देंगे। ये कट हो गया हमारा। कुछ इस तरह से हमारे पास कलियाँ जो हैं आ चुकी हैं। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 1 होता है ख़त्म और मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।